बड़ी खबर मधेपुरा से है, जहां उधर किशनगंज में तजिया मेला के दौरान कर्तव्य दिखाने के क्रम में आपस में हुई भिड़ंत में बीच बचाव करने गए एक पीएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उधर किशनगंज थाना चौक स्थित रनगाह के पास तजिया मेला के दौरान कर्तव्य दिखाने के क्रम में एक ही संप्रदाय के लोग आपस में ही उलझ गए। झड़प होते होते बात मारपीट तक पहुंच गई। युवकों के बीच जमकर लाठी चलने लगी। मामला बिगड़ते देख मौजूद पुलिसकर्मी बीच बचाव को दौड़े। बीच बचाव करने के दौरान उधर किशनगंज थाने में पदस्थापित पुलिस सब इंस्पेक्टर रविकांत रजक को गंभीर चोट लगी, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गए। नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि जॉनसन दास ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि पीएसआई रविकांत रजक की आंख में चोट लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद घायल पुलिसकर्मी को मेडिकल कॉलेज मधेपुरा रेफर कर दिया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर भेज दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहे जख्मी पीएसआई ने बताया कि कर्तव्य दिखाने के दौरान झड़प हुई, जिसे वो छुड़ाने गए। इसी दौरान एक पत्थर उनकी आंख में लग गई, जिससे उनका आंख बुरी तरह डैमेज हो गया। इधर स्थिति गंभीर देख मौका वारदात पर एसडीएम एसजेड हसन पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले को शांत करवाया। घटनास्थल से सभी को तजिया हटाने का निर्देश दिया गया। युवकों द्वारा दिखाए जा रहे कलाबाजी को बंद करवाया गया। उसके बाद मामला शांत हुआ। मारपीट के दौरान एक युवक के घायल होने की भी खबर है, जिसका नाम मोहम्मद उस्मान बताया जा रहा है। वह भी उदय किशनगंज पीएचसी में इलाजरत। वहीं मामले को लेकर उदय किशनगंज एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि सदिया मेले में खेल के दौरान एक पुलिसकर्मी को चोट लगी है। पुलिसकर्मी का इलाज चल रहा है। ये कैसे कैसे हुआ है घटना? वहाँ पर दो पक्षों के बीच में झड़प हो गया। झड़प के कारण हम लोग अपने कर्तव्य पर वहाँ तैनात थे, उसी में बीच बचाव करने गए, तो कहीं से एक पत्थर आया और आकर हमारे आँख पर लग गया। आँख थोड़ा गंभीर है, मतलब ऊपर भी कटा हुआ है, नीचे भी कटा हुआ है, और आँख से अभी हमको थोड़ा ग्रीवियस टाइप का मैटर दिख रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा आँख से, इस आँख से मतलब सुनने के बराबर। तो वहाँ से कहाँ ले जाया गया था आपको? वहाँ से हमको सदर हॉस्पिटल लेकर आया गया। सदर हॉस्पिटल से फिर वहाँ से हमको यहाँ थोड़ा सिलाई किया। सिलाई करने के बाद हमको ऊपर भेज दिया मेडिकल कॉलेज, वहाँ नीचे वाला सिलाई किया। फिर वहाँ हम लोग सीटी स्कैन उस्कैन कराया। क्या बता रहे हैं डॉक्टर, क्या कंडीशन है? कंडीशन ग्रीवियस बता रहे हैं। अच्छा, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम पीएसआई रविकांत रजक है। कहाँ उदा किशनगंज थाना में प्रतिनियुक्त। आप दिमाग में टेंशन मत लीजिए, वो एक्सीडेंट वाला में ऐसे नहीं हुआ ना। कुछ नहीं हुआ।